नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको कैंसर के इलाज के 10 घरेलू उपाय और देसी नुस्खे बताने जा रही हूँ। कैंसर का नाम सुनते ही एक घबराहट सी होने लगती है। ये रोग बच्चों से बड़ों तक किसी को भी हो सकता है। इसकी शुरुआत एक गांठ के रूप में होती है जो देखने में साधारण सी लगती है। अगर समय रहते कैंसर को पहचान लिया जाए तो इसका उपचार बड़े आसानी से किया जा सकता है और इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। पुरुषों में गला, फेफड़ों, मुंह, प्रोस्टेट, खाने की नली, जीभ, आवाज़ की नली और ओरल कैंसर होता है, और महिलाओं में गर्भाशय, ब्रेस्ट, पित्ताशय, मस्तिष्क और थायराइड के कैंसर की संभावना अधिक होती है। इस वीडियो के जरिए कैंसर का इलाज और इसे रोकने के घरेलू तरीके और आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई कैंसर से प्रभावित है तो इन उपायों से इसे कंट्रोल करके इसे फैलने से रोका जा सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आप अपने आसपास अगर किसी को पीड़ित देखें तो उन्हें अवश्य इस बारे में जानकारी दें ताकि उनका भी हर तरीके से फायदा हो। हमारे शरीर में 100 से हजार तक खराब सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में हर समय खराब सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं, पर कैंसर का रोग होने पर सफ़ेद और लाल रक्त कोशिकाओं का संतुलन बिगड़ने लगता है जिससे सेल्स की बढ़ोतरी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कैंसर के सेल्स शरीर में अच्छे सेल्स के काम में रुकावट डालते हैं। कैंसर सेल्स बॉडी में नए बीमार सेल्स बनाते हैं। जिस अंग में ये सेल्स बनते हैं उस अंग का कामकाज प्रभावित होने लगता है। कैंसर के लक्षण: मुंह सुखड़ना, मुंह में छाले होना और मुंह का पूरा न खुलना, लगातार कमर में दर्द होना, ब्रेस्ट में या किसी और अंग में गांठ का बनना, सोच और मूत्र करने की आदतों में बदलाव होना, खांसी लगातार होना या फिर आवाज़ बैठ जाना, खाना निगलने, चबाने और हजम करने में कठिनाई आना, सुनने देखने में दिक्कत आना, याददाश्त कमजोर होना, सिर दर्द होना आदि। प्यारे दोस्तों, अब मैं इसके कुछ कारण बताने जा रही हूँ जिनके कारण से आप इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। सुपारी, तंबाकू, पान मसाला, खैनी जैसी चीज़ों के सेवन से कैंसर की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। शराब के सेवन से भी कैंसर होने की संभावना होती है। शराब पीने से गले का कैंसर, ओरल कैंसर और पेट के कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। शराब और सिगरेट का सेवन एक साथ करने पर यह खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। नमक ज़्यादा खाने से पेट का कैंसर होने की आशंका होती है। हमारी सेहत के लिए रिफाइंड ऑयल का सेवन ठीक नहीं होता। भोजन पकाने के लिए ऑलिव ऑयल, मूंगफली के तेल या कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल प्रयोग में लाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, मोटापा और HIV के वायरस से कैंसर की आशंका हो जाती है। जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग लंबे समय तक करने से महिलाओं को ब्रेस्ट और लीवर कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जिनको अजमाकर आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। देसी गाय का मूत्र कैंसर का इलाज में बहुत ही फायदेमंद उपाय होता है। रोजाना 2 से 3 बार गौमूत्र पीने से कैंसर के रोगी को चमत्कारी ढंग से फायदा मिलता है। मगर आप ध्यान रखें, जब भी गौमूत्र का प्रयोग करें तो कम से कम 7 बार आप सूती कपड़े में से इसे छान अवश्य लें। हल्दी कैंसर से बचने और छुटकारा पाने में बहुत उपयोगी औषधि है। अपने खाने में हल्दी का सेवन हर रोज करें, ये बीमार सेल्स को बढ़ने से रोकती है। तुलसी और हल्दी के प्रयोग से मुंह के कैंसर का उपचार करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। गौमूत्र और हल्दी में कुरकेमिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है। आधा चम्मच हल्दी और आधा कप देसी गाय का मूत्र मिलाकर गर्म कर लें और मरीज को चाय की तरह पिलाएं। लगातार 3 महीने तक दिन में 2 बार इसका उपयोग करने से कैंसर में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। पानी अधिक पिएं, रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह खाली पेट पिएं। इस उपाय से कैंसर के साथ और भी कई रोगों से आपको राहत प्राप्त होगी। कैंसर के रोगी को 2 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो जौ का आटा मिलाकर इसकी रोटी 40 दिन तक खानी चाहिए। इसके अलावा आलू, अरबी और बैंगन के सेवन से परहेज करना चाहिए। ग्रीन टी पीने से लीवर, स्किन, गले, मुंह, सर्विकल, पेट और ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। सोयाबीन या फिर इससे बनी हुई चीज़ें खाएं, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर की संभावना कम होती है। गेहूं के ज्वारे का रस पीने से काफ़ी लाभ मिलता है। अनार का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में असरदायक है। हर रोज कुछ देर सूरज की हल्की रोशनी
जो सुबह सुबह की जो रोशनी होती है उसमें आप अगर बैठेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।